सवाल है जो लोग बहुत पूछते हैं, पहले इस्लाम या पहले आपका देश? पहले इस्लाम या पहले देश? तो सवाल में ही तो जवाब है। आप बताइए पहले कौन आया? गॉड, ऑफ कोर्स। ये देश कब बना? 1947। उससे पहले क्या था? इट वाज इंडिया बट समथिंग एल्स। ब्रिटिश इंडिया। उससे पहले क्या था? 1947 से पहले वाला देश या 1947 के बाद वाला देश? कौन सा देश? मैं ऐसे बॉर्डर्स पे आपको ले जाऊंगा इंडिया की कि एक फीट की दूरी पर आप खड़े हैं, एक कदम पे पाकिस्तान और एक कदम पे इंडिया, एक कदम पे बांग्लादेश, एक कदम पे इंडिया। वो देश नहीं मेरा, ये देश मेरा। आगे गया मेरा देश नहीं, पीछे आया मेरा देश। इंसानों के बनाए हुए बाउंड्रीज हैं। दीज बाउंड्रीज आर एवर शिफ्टिंग, दीज बाउंड्रीज आर एवर चेंजिंग। बाउंड्रीज विच हैव बीन ड्रॉन बाय पीपल हु मेक मिस्टेक्स, बाय पीपल हु आर बॉर्न टू मेक मिस्टेक्स। ऐसे लोगों के खींचे हुए बाउंड्री के एक पीस ऑफ लैंड को मैं खुदा से ऊपर बोलूंगा। खुदा हमेशा से था, है और रहेगा। देश आज जिस फॉर्म में कल था उस फॉर्म में आज नहीं है, आज दूसरे फॉर्म में है। आज इंडिया इतना बड़ा है, कल को इतना बड़ा हो सकता है। लोग कहते हैं क्या अखंड भारत, तो कल देश इतना बड़ा हो जाएगा। कल को आज जिसको आप देश नहीं बोल रहे, कल को वो आपका देश हो जाएगा। तो देश तो चेंज हो रहा है ना, बाउंड्रीज तो चेंज हो रही है ना, खुदा तो चेंज नहीं हो रहा है ना। आप खुदा से एक पीस ऑफ लैंड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डोंट इक्वेट creation with the creator. What does my God teach me? To be justful. Tell me a Hindu staying in USA, citizen of the United States of America, he's a green card holder. उसके लिए पहले USA या पहले भगवान राम? बताइए। Of course उसके लिए पहले राम होंगे। क्या weird सवाल है।